हेलो क्लास टुडे वी शैल डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंग्लिश दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच किसी भी इम्तहान में अगर आप बैठते हैं और वहाँ पे अगर इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं देन इट इज़ हाईली प्रोबेबल दैट दिस टॉपिक विल बी टच्ड और दिस टॉपिक कैन नॉट रिमेन अन फिगर्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं और क्वेश्चन आते भी हैं तो पहले हम ये समझ लेते हैं लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट वॉट फिगर्स ऑफ स्पीच इज इन्हें हम लिटरेरी डिवाइस भी कहते हैं और इन्हें हम पोइट्रिक डिवाइस भी कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच आर बेसिकली द दीन्स टू ब्यूटिफाई और टू डेकोरेट अ पीस ऑफ राइटिंग किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को किसी भी लिटरेचर को ब्यूटिफाई करने के लिए उसे डेकोरेट करने के लिए जिन मीन्स को आप एम्प्लॉय करते हैं जिन मीन्स का आप यूज़ करते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच एंड सिंस इसका यूज़ हम पोइट्री में भी करते हैं दैट्स वाई वी कॉल देम पोइट्रिक डिवाइसेस एंड सिंस दे आर यूज्ड

क्योंकि ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं देर इज़ अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन दिस टू दैट मीन्स and एंड they दे आर क्वाइट सिमिलर टू huge एक्सटेंट इन दोनों में बहुत ही थोड़ा डिफरेंस है इसलिए हमने इसे एज अ pair साथ में ही ले लिया है पहले समझते हैं इसको हम दे आर used फॉर comparison ऑफ टू अनलाइक और टू डिसिमिलर और टू डिफरेंट थिंग्स इट्स योर चॉइस विदर्ट टू कॉल दीज थिंग्स अनलाइक और डिसिमिलर और डिफरेंट जब उन्हें हम कंपेरिजन करते हैं एक दूसरे के साथ तो या तो हम सिमली यूज़ करते हैं और या फिर हम मिटफर यूज़ करते हैं बट रिमेंबर वेन द कम्पेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स इज मेड विद द हेल्प ऑफ सच वर्ड्स लाइक लाइक एज और सो so, तो वहाँ पर हम सिमली का यूज़ करते हैं कंपेरिज़न के लिए उन दो चीज़ों का कंपेरिज़न जब हम हेल्प जब हम कुछ वर्ड्स जैसे कि लाइक like, एज़ या फिर सो so का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर सिमली होता है और बहुत ही सिंपल है जब कोई हम डायरेक्ट कंपेरिज़न करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स लाइक लाइक एज़ और सो तो वहाँ पर मेटाफर होता है मैं आपके अंडरस्टैंडिंग को और भी रिलेवेंट करने के लिए और भी क्लियर और शार्प करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ आप लोगों ने फिल्मी गाने सुने होंगे हम सभी सुनते हैं और और, और सुनते भी होंगे आप लोग और ये इट्स वेरी कॉमन इट्स इट्स आर हैबिट टू लिसन टू म्यूजिक आपने अक्सर एक गाना सुना होगा ये चांद सा रोशन चेहरा अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो नायक है वो अपनी नायिका की सुंदरता का वर्णन करने के लिए वो ये कहना चाहता है कि उसके चेहरे पे जो नूर है यानी कि जो ग्लो है ये चांद सा रोशन चेहरा कि उसका जो चेहरा है उसके चेहरे की जो सुंदरता है जो उसका ग्लो है चमक है वो चांद की तरह है चांद की तरह चांद सा रोशन चेहरा यानी चांद की तरह तो जब यहाँ पे सेंस आता है किसी चीज़ की तरह का तो वहाँ पर सिमली होता है और वहीं पे अगर आप एक दूसरा गाना सुने चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम अब यहाँ पर जो नायक है वो डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि मेरा दिल चांद की तरह है या तुम चांदनी की तरह हो वो सिंपली ये कह रहा है कि मेरा दिल ही चांद है और तुम ही चांदनी हो तो अब यहाँ पर बात समझिए जब कहा जाए कि भाई आपका चेहरा चांद की तरह है तो वो सिमली है और जब ये कहा जाए कि आपका चेहरा ही चांद है तो वो मेटाफर है और अब हम इसको लिटरेरी एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं देखिए दो सेंटेंस लिखे हैं ही वॉज अ लाइन इन द बैटल ही फॉट लाइक अ लाइन ऑब्वियसली बात है ही कौन है ही एक सोल्जर हो सकता है ही माइट बी अ वॉरियर जो फाइट कर रहा है जो battlefield फील्ड में है तो फर्स्ट वन सेज ही फॉट लाइक अ लायन यानी कि वो एक शेर की भांति लड़ा शेर की भांति शेर की तरह लाइक like. यहाँ पर सिमली है बट द सेकेंड सेंटेंस इट सेज ही वॉज अ लायन इन द बैटल यानी वो खुद ही शेर बन गया बैटल फील्ड में अब दोनों का अर्थ एक ही है लेकिन दोनों के एक्सप्रेशन अलग अलग हैं द वे ऑफ कंपेरिजन इज डिफरेंट सो डायरेक्ट कंपैरिजन जो होता है वो मेटाफर में होता है और कंपैरिजन विद द वर्ड्स लाइक लाइक एज और सो ये सिमली में होता है आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जब कभी भी कंपैरिजन हो और आपको वर्ड्स लाइक एज और सो मिल जाए तो वहाँ पे सिमली होगा और जब कंपैरिजन इन वर्ड्स के बग़ैर हो तो वहाँ पे मेटाफर होगा एक और एग्जाम्पल है शी इज एन एंजल वो एंजल है ये मिटाफर है एंड शी इज लाइक एन एंजल ये सिमली है द कैमल इज शिप ऑफ द डिजर्ट ये मिटाफर है शी इज एज पी एज अ रेड रोज वो इतनी सुंदर है जैसे कि ये खिलता हुआ लाल गुलाब ये सिमली है आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी आगे बढ़ते हैं आगे हम बात करेंगे पर्सोनिफिकेशन की देखिए इसका लिटरल मतलब समझने के समझने का प्रयास करिए पर्सोनिफिकेशन यानी कि पर्सोनिफाई और इसको थोड़ा और आप शॉर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा पर्सन किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना किसी भी चीज़ को ऐसे डिस्क्राइब करना जैसे कि वो एक पर्सन हो यानी कि वो एक ह्यूमन बीइंग हो टू परसोनिफाई अ नॉन लिविंग एंटिटी और एब्सट्रैक्ट आइडियाज और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स देखिए नॉन लिविंग थिंग्स हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक वी हैव सन मून क्लाउड्स सो मेनी थिंग्स सो व्हेन वी व्हेन वी डिस्क्राइब देम एज इफ दे आर अ पर्सन और एज इफ दे आर अ ह्यूमन बीइंग तो वहाँ परसोनिफिकेशन होता है

सन स्माइल्स विंड विस्पर्स एंड द लीव्स डांस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ परसोनिफिकेशन आगे देखते हैं हम अपॉज देखिए इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा ये अपोस वो अप्रॉफी नहीं है जो वर्ड के लास्ट में आप ऊपर कॉमा लगाते हैं और उसके बाद एन लिख देते हैं लाइक मैंस मैंस पार्लर ठीक है चिल्ड्रंस वेयर बिल्कुल नहीं ये अपोस्ट्रॉफी एक पोइटिक डिवाइस है एक फिगर ऑफ स्पीच है जो तब यूज़ होती है जब हम किसी को एड्रेस करते हैं और ये जब हम किसी को एड्रेस करते हैं तो ये किसी की कि जब हम बात करते हैं तो ये कोई जीवित ह्यूमन बीइंग नहीं होता है ही इज़ नॉट अ लिविंग ही इज़ नॉट अ लिविंग ह्यूमन बीइंग इफ़ ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग ही मे बी एब्सेंट और मोस्ट प्रोबेबली ही मे बी डेड अदरवाइज सिमिलर कॉन्सेप्ट है लाइक like परसोनिफिकेशन की तरह कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हों एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हों लेकिन वहाँ पर हम डिस्क्राइब करते हैं और यहाँ पे हम एड्रेस करते हैं उनका नाम लेके उन्हें बुलाते हैं और एक एग्जांपल से आप समझ जाएंगे देखिए ओ रोमियो रोमियो वेयर फोर आर्ट दाओ रोमियो रोमियो एंड जूलियट प्ले से लिया गया है यहाँ पे जूलियट रोमियो को नहीं पाती है वो एबसेंट होता है तो वो उसका नाम लेके बुलाती है यहां पे अपोस्ट्रॉफी है हालांकि अभी रोमियो मरा नहीं है रोमियो मरता है लेकिन अभी वो मरा नहीं है बट ही इज इस एबसेंट इसलिए अपोस्ट्रॉफी है सिमिलरली ओ पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ अगर आपने शेक्सपियर के प्लेस पढ़े हैं और स्पेशली आपने जूलियस सीज़र पढ़ा है तो आपको याद होगा जब मार्क एंटनी लॉट के सीनेट हाउस आता है और सीज़र को मरा हुआ पाता है ही कूडन कंट्रोल हिज इमोशंस एंड फर्स्ट ही सेज ओ सीज़र हाउ हाउ लो दाओ लोएस्ट यानी कि आप इतना नीच इतना मतलब कि आप कैसे मर सकते हैं हाउ कैन दिस हाउ कैन दिस ट्रेजडी बी फॉल अपॉन यू और उसके बाद वो कहता है ओ पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ अब यहाँ पे वो अर्थ को उस अर्थ को जहाँ पे सीजर की बॉडी थी या है द पीस ऑफ अर्थ दैट हैज सोक्ड और दैट इज मार्ड विद द ब्लड ऑफ सीजर वो उसको एड्रेस कर रहा है वो उससे अपोलॉजी कर रहा है अपोलॉजाइज कर रहा है और ये तो आपको बहुत ही वेल well नोन होगा ट की ये लाइन भला कौन भूल सकता है अगर आपने लिटरेचर पढ़ा हुआ है तो अब आगे देखते हैं कि अपोस्ट्रॉफी और पर्सोनिफिकेशन में क्या सिमिलैरिटी है देखिए अपोस्ट्रॉफी जो है वो एक स्पेशल काइंड का पर्सोनिफिकेशन है अपोस्ट्रॉफी रिफर्स टू एड्रेसिंग अपोस्ट्रॉफी में हम किसी चीज को यानी कि किसी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को या नॉन लिविंग थिंग को हम एड्रेस करते हैं और पर्सोनिफिकेशन में हम उनको डिस्क्राइब करते हैं ये सिमिलैरिटी है और ये डिफरेंस है मैं आशा करता हूँ कि आपको ये विषय समझ में आया होगा और इसको आप समझेंगे सीखेंगे और अपने मित्रों को भी सिखाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद